हेलो दोस्तों, मैं स्मृति आज बनाने जा रही हूँ अहमदाबाद की स्पेशल घुघरा सैंडविच, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और इजी रेसिपी है। सैंडविच तो आप बहुत तरह की बनाते होंगे, पर एक बार ये सैंडविच की रेसिपी जरूर ट्राई करें। 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा और बहुत ज्यादा पसंद आएगी आप सबको ये रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। सैंडविच के लिए सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2-3 नारियल के टुकड़े लिए हैं, फ्रेश कोकोनट को ऐसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है, और 2 मैंने हरी मिर्च ली है इसको काट लिया है, और थोड़ा मैंने धनिया का पत्ता लिया है। सारी चीजों को हम एक मिक्सर जार में डाल के पीसना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 5-6 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1/2 टीस्पून लेमन जूस लिया है, साथ में 1/2 टीस्पून नमक लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। चटनी को थोड़ा पानी डाल के पीस ले, तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज्यादा पतली ना करे इसको। अब मैंने सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे आटा ब्रेड लिया है, तो ये मैंने 7 से 8 आटा ब्रेड लिया है। आप सैंडविच ब्रेड भी नॉर्मल ले सकते हैं। तो अब हम इन ब्रेड के ऊपर ये चटनी लगाएंगे जो हमने तैयार की है। तो आज जो मैं आपको सैंडविच बता रही हूँ, इस पे आप पहले सैंडविच के ऊपर चटनी लगाने से पहले बटर भी लगा सकते हैं। जो स्ट्रीट पे देते हैं वो पहले बटर लगाते हैं, बट अभी हम दूसरी साइड पे बटर लगाएंगे तो काफी ज्यादा बटर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने चटनी लगा ली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं, पर अभी हम बटर यूज करेंगे तो मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे प्याज लिया है बारीक कटे हुए, इसको डालेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने शिमला मिर्च लिए हैं, इसको भी बारीक काट के लिया है। तो इसमें प्याज और शिमला मिर्च ही यूज होती है, टमाटर आप इसमें ना यूज करें। और यहाँ पे मैंने ग्रेट की हुई चीज ली है, इसको भी इसके ऊपर डाल देंगे। चीज डाल दी है मैंने, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर की ब्रेड लेंगे हम, और इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। तो ये मैंने बटर लगा लिया है, इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। ठीक वैसे ही हम दूसरे पे भी लगा लेंगे बटर। तो दोनों पे बटर लगा के इसको हल्का प्रेस कर दें, और इसको हम डबल लेयर सैंडविच बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम वापस से चटनी लगा लेंगे। जैसे मैंने पहली लेयर बनाते टाइम सारा कुछ डाला था, वैसे ही हमें सारा कुछ इस पे डालना है। चटनी लगाने के बाद चाट मसाला डालेंगे और प्याज डाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर कैप्सिकम डालेंगे, ये शिमला मिर्च, और वापस से इस पे चीज डाल लें। थोड़ा सा हम ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर लेंगे चीज डालने के बाद। और अब हम वापस से इसके ऊपर ब्रेड की एक लेयर रखेंगे, तो हम इस पे बटर लगा लेते हैं। तो बटर लगा के इसके ऊपर ऐसे हल्का प्रेश कर दें, और वापस से दूसरे ब्रेड पे भी लगा के इसको रख लें। तो अब हम चलते हैं सैंडविच को टोस्ट करने की ओर। तो आज मैं आपको इसको तवे पे टोस्ट करके बताऊंगी। आप चाहे तो ग्रिल सैंडविच मेकर में भी इसको टोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तवा रखा हुआ है, गरम हो गया है, इसके ऊपर बटर डाल लेंगे, और अब हम ये सैंडविच इसके ऊपर रख लेंगे और एक तरफ से इसको सेकने देंगे, फिर हम इसको पलट लेंगे। तो इसको मीडियम लो फ्लेम पे रख के ही आप इसको टोस्ट कर लें। इसके ऊपर से भी हम थोड़ा बटर लगा लेंगे। अब हम इसे पलट के सेकने वाले हैं क्योंकि, तो आइए अब हम इसे टर्न कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर से कितना अच्छा सीख गई है, ऐसे ही हमें दोनों तरफ से सीखना है। तो इसको मैंने थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी टोस्ट किया है, आप चाहें तो इससे कम भी टोस्ट कर सकते हैं, बट ये क्रिस्पी अच्छी लगती है। तो ये टोस्ट हो गई है दोनों तरफ से, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और आइए इसे कट कर लेते हैं। सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले। हमारे पेज इंडिया का तड़का पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।